इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोटर लिस्ट को डाउनलोड कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। यह वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपको स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च इन इलेक्ट्रल रोल, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपना पोलिंग स्टेशन सर्च करेंगे। जब हमारा पोलिंग स्टेशन पता चल जाएगा तो बड़ी ही आसानी से हम वोटर लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो पोलिंग स्टेशन चेक करने के लिए यहाँ पर तीन तरीका दिया गया है। सबसे पहला तरीका यहाँ पर दिया गया है पिक नंबर। जो भी आपका वोटर आईडी नंबर है उस वोटर आईडी नंबर से आप अपना डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है सर्च बाय डिटेल्स। यहाँ आप अपना डिटेल्स एंटर करके अपने पोलिंग स्टेशन को फाइंड कर सकते हैं। इवन आपका वोटर आईडी नंबर भी पता चल जाएगा। दूसरा मोबाइल नंबर, जो भी आपके वोटर कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर से भी आप अपनी वोटर कार्ड का डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर मैं इपिक नंबर से पोलिंग स्टेशन फाइंड करने का प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च बाय डिटेल्स इपिक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना इपिक नंबर एंटर कर देना है, मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद जो ये लास्ट में कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके वोटर कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा कि वोटर कार्ड किसके नाम से है। और यहाँ आप स्क्रॉल राइट करेंगे तो आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ आपका पार्ट में आपका पोलिंग स्टेशन मिल जाएगा, मतलब जहाँ आप वोटिंग करते हैं। यहाँ पर मेरा 106 नंबर पोलिंग स्टेशन है और उस स्कूल या फिर कॉलेज का यहाँ पर नाम भी होगा जहाँ पर आप वोटिंग करते हैं। तो इस नंबर को आपको कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद आपको किसी भी ब्राउजर में यह टाइप कर देना है। यह भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक को सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना असेंबली सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कौन सा आपका विधानसभा पड़ता है। उसके बाद आपको लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट कर लेना है और ये कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो जो भी आपने असेंबली सिलेक्ट किया है उस असेंबली में जितने भी ग्राम पड़ते होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हमें अपने गांव के वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है। तो यहाँ आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक करके पोलिंग स्टेशन का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो वो सर्च होकर आ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर 106 नंबर था तो मैं यहाँ पर 106 नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 106 नंबर एंटर कर दिया तो यहाँ पर मेरा पोलिंग स्टेशन आ गया, मतलब मेरे गांव का वोटर लिस्ट यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पर फाइनल रोल 2024 में यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो जो भी मेरा वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गया। वोटर लिस्ट डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया होगा। आपको इस फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस फाइल पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका वोटर लिस्ट होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने गाँव या कस्बे का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।